हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहां पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपसे ये बोला जाए कि किसी भी सब्जेक्ट के दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद बचे हुए कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर आपको किसी तरीके की फ़ीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है, ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि आप लोगों तक सारा का सारा कंटेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाए, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थितियों में आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की शिक्षा दीक्षा ना रुके, और जिससे ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया कहीं अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना जो आज का सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ, उसकी तीसरी किताब और उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर या फिर थीम नंबर 14 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। हम लोगों ने यहाँ तक बातचीत कर ली थी कि किस तरीके से आपकी जो जेंडरिंग हुई थी वायलेंस के बीच में, यानी कि किस तरीके से फीमेल्स के साथ में व्यवहार किया गया था, जेंडर बायस जो आपको देखने को मिलता है, ऑनर का जो कंसेप्ट है और उसके बेसिस पे फिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने देख के ख़त्म करी। उसके बाद में एक अच्छे नोट पे वो सेशन ख़त्म किया था कि इतना जो डिस्पैरिटीज़ थी उस सबके बीच में जो कुछ होप के साइंस वगैरह थे, कुछ लोगों ने जो इंसानियत दिखाई थी और क्या उसके फिर नतीजे रहे, क्या उनको उसके बदले में ग्रैटिट्यूड मिला, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म करी थी। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे उन सारे सोर्सेज के ऊपर जिनकी मदद से पार्टीशन की हिस्ट्री को लिखा गया है और किस तरीके से जो है इन सारे सोर्सेज की मदद से पार्टीशन की क्रोनोलॉजी को बनाया गया, कैसे ये सारा का सारा इतिहास जो है फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, वो सारी की सारी बातचीत हम लोगों को आज के सेशन में करनी है। तो जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है ओरल टेस्टिमनीज एंड हिस्ट्री। बेसिकली ये ओरल टेस्टिमनीज वो सारी की सारी आपकी जबानी बयान है उन लोगों के जिन लोगों के ऊपर पार्टीशन बीता है, जिन लोगों ने पार्टीशन के पूरे दंश को झेला है, एक से दूसरी जगह रेफ्यूजी बन के गए हैं या फिर वायलेंस हुआ है, फैमिली में कुछ इवेंट्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें। अब उन लोगों के अलग जो बयान लिए जाते हैं, ओरल टेस्टिमनीज ली जाती हैं, फिर उसके बाद में उनमें कॉमनैलिटीज ढूंढी जाती हैं और उसकी मदद से फिर जो है हिस्ट्री वगैरह लिखी जाती है, वो लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है, बात करेंगे उसके बारे में। तो कुल मिला के पहला जो टॉपिक अपना रहने वाला है ओरल टेस्टिमनीज, इसमें यही चीज हम लोग देखेंगे जो लोगों के अपने बयान वगैरह रहे हैं उन लोगों के, खासतौर पर जिन लोगों ने पूरा का पूरा ये इवेंट वगैरह देखा था और उसके फिर कई सालों बाद जब वो बैठकर रिकाउंट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो फिर क्या क्या निकल कर आता है और किस तरीके का उनके ऊपर असर रहा, उनकी जिंदगियों पर असर रहा, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। सो नाउ Without any further ado, here we begin. तो अभी तक जितनी भी बातचीत हम लोगों ने करी है जिसमें हम लोग पार्टीशन से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, अभी तक आप लोगों ने शायद नोटिस भी किया, और नहीं किया हो तो इसको फिर से देखिए और नोटिस करिए कि किस किस मटेरियल का इस्तेमाल जो है पार्टीशन की हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, या फिर पार्टीशन का जो पूरा का पूरा एक इतिहास बीत गया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल वगैरह जो है कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स या जिन मटेरियल्स की मदद से हम लोगों ने पार्टीशन की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है उसमें आ जाते हैं ओरल नैरेटिव्स, मेमायर्स, डायरीज, फैमिली हिस्ट्रीज, फर्स्ट हैंड रिटन अकाउंट्स वगैरह। ओरल नैरेटिव्स का मतलब क्या है, जो मुंह जबानी बोले हुए आपके नैरेटिव्स हैं, किसी ने देखा है या किसी ने सुना है या किसी में बीती है, उसने आपको वो चीज जो है बयां कर दी, या फिर उसने अगर कहीं पर उसको लिख कर रखा हुआ है, या फिर अगर कहीं पर कोई डायरी वगैरह लिखी थी उसी वक्त में या उसी टाइम पीरियड में जब ये सारी की सारी घटनाएं घट रही थी, या फिर आपकी जो परिवार का इतिहास है और आपको पता है कि ऐसा हुआ था, उसके बाद में वो फैमिली हिस्ट्री जो है एक से दूसरी जनरेशन को अगर ओरली ट्रांसमिट करी गई है या रिटन ट्रांसमिट की गई है और वो सोर्स वगैरह जो है उसकी मदद से, तो ये सारी के सारे जो सोर्सेज वगैरह हैं ये सारे वो फर्स्ट हैंड रिटन अकाउंट्स वगैरह हैं या फिर आपके पास में वो प्राइमरी एविडेंस वगैरह है जिसकी मदद से आप हिस्ट्री जो है इस पार्टीशन के टाइम पीरियड की रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो या करते हो। अब ये सब आपकी मदद ऐसे करते हैं कि ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब किस तरीके की चीजों और किस तरीके की परिस्थितियों से इस देश का जन सामान्य और ऑर्डिनरी नागरिक जो है वो गुजरा है और क्या उसके ऊपर बीती है। मिलियंस ऑफ पीपल व्यूड पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ सफरिंग एंड द चैलेंजेस ऑफ द टाइम। अब मिलियंस, मैं 2-4 हजार या कुछ लाख लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोग जो हैं, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, यहां मिलियंस ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, यानी 20, 25, 30, 50 पता नहीं कितने लाख लोगों की बात हो रही है। अब ये इतने सारे लोग जो हैं पार्टीशन को कैसे देखते हैं, वो पार्टीशन को देखते हैं सफरिंग के टर्म्स में, यानी कि तकलीफ जो हुई थी, परेशानी जो हुई थी उसके टर्म्स में, और जो चैलेंजेस वगैरह इनके ऊपर आए उस पर्टिकुलर चैलेंजेस वगैरह को जिनको इन्होंने फेस किया उसके टर्म्स में जो है ये इस चीज को देखते हैं। इनके लिए ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन नहीं था, यानी कि
आपने बैठकर एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि आज से दो देश बन गए, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते और बस अब अपना अपने अपने हिसाब से जियो। ये उतना आसान नहीं था, ये उतना आप ये नहीं कह सकते कि उतनी ज्यादा ये सामान्यता से ये चीज हो गई थी। ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी जिसमें मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इस देश को तोड़ दिया या फिर कांग्रेस जो है उसको रोक नहीं पाई या दूसरे लोगों ने इसमें या तो योगदान दिया या फिर ऐसा विरोध किया जिसका कोई मतलब नहीं निकला। अल्टीमेटली ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन होकर नहीं रह गया, इसने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, लाखों लोगों की जिंदगियां लील गया, खा गया, बर्बाद कर गया। पहली चीज, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही है, राजनीति नहीं है जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग को कुछ मिल गया, कांग्रेस कुछ हार गई, कुछ उसने रोकने की कोशिश करी, कुछ वो बचा पाई, कुछ वो नहीं बचा पाई। ये वो बात वहां पर जाके खत्म नहीं होती है। कई सारे लोगों की जिंदगी ली लिया, हजारों लाखों लोग जो है बर्बाद हो गए, इधर से उधर हो गए। तो ये उतनी आसान या उतनी सिंपल चीज नहीं है जितना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। ठीक है जी, तो जो लोग थे जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली लाइन में भी बताया, उनके लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं था, ये उससे ज्यादा था। क्या था वो भी देखते हैं। फॉर देम इट मीन्ड द अनएक्सपेक्टेड अल्टरेशंस इन लाइफ एज इट अनफोल्डेड बिटवीन 1946 एंड 1950। कई लोगों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड अल्टरेशन था जिंदगी में, यानी कि ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरीके के बदलाव और उस तरीके के चेंजेस जो ना वो चाहते थे, जो ना उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, और जिनके लिए उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो उनको अपनी जिंदगी में जो है बर्दाश्त करना पड़े 1946 से 1950 के जो चार साल गए उसके में। और सबसे बड़ी बात, इसका जो फिर आपका फिजिकल इफेक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही है, इसका जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है मानसिकता के ऊपर, दिमाग पे जो इमोशनल इफेक्ट पड़ता है, और जो सोशल एडजस्टमेंट्स आपको फिर से करना पड़ते हैं, एक सामाजिक ताना-बाना जिसमें आप जी रहे थे और उससे निकलकर फिर से आपको एक नए तरीके की परिस्थिति के अनुसार आपको ढालना पड़ रहा है। उस वक्त में जब बहुत कंजर्वेटिव माशरा हुआ करता था, उस वक्त में जब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म हुआ करता था सोसाइटी में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच के देखिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, जहां पे पले बड़े हैं, जहां बड़े हैं, एक दिन एक कोई आदमी आके आपसे बोलता है अभी आपका देश नहीं है, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के अब एकदम एक नई जगह जा रहे हैं, लुटे पिटे और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। चलें, इंसान जो है परिस्थितियों से लड़ लेता है, निकल जाता है, किसी ना किसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बट जो साइकोलॉजिकल रिपरकशन होगा, जो मानसिकता पे असर पड़ेगा, पूरे के पूरे ज़हन बर्बाद हो जाते हैं, पूरे की पूरी इंसानियत और जिंदगी जो तबाह हो गई, उसका क्या हुआ? इतने बड़े लेवल पर जो सारा तमाशा हुआ है, इसको कोई जिन्ना की या मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स या कांग्रेस का जो फेलियर है सिर्फ उतना सा कह दे या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कह दे, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। पार्टीशन समझना है तो उसके लिए आपको ये सारे एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे। एक इंसान जिसका सब कुछ छीन लिया गया क्योंकि कुछ लोगों के बीच में जो है पावर शेयरिंग को लेके बातचीत नहीं हो पा रही थी, उसके ऊपर क्या बीती, जब तक इस पर्टिकुलर ह्यूमन एलिमेंट को या ह्यूमन क्वेश्चन को नहीं लिया जाएगा, पार्टीशन को ढंग से नहीं समझा जा सकता या फिर पार्टीशन की हिस्ट्री जो है वो अधूरी रहेगी, इसको पूरा कंप्लीट नहीं माना जा सकता। आप इनफैक्ट इसको आपका जर्मनी में जो नाजियों ने हॉलोकास्ट किया था, जिसमें 6 मिलियन यहूदी या 60 लाख यहूदी उन्होंने मार दिए, उसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो भी आप जो है तो उससे भी अगर आप पार्टीशन को समझने की कोशिश करोगे तो भी आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को जो है बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे। जैसे कि आपका हॉलोकॉस्ट में हुआ था जर्मनी में, उसी तरीके से पार्टीशन सिंपली एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं माना जा सकता। जर्मनी में तो सरकार ने यहूदियों को एक तरफ अलग किया, गैस चैंबर्स में लेकर गए, एक नस्लीय श्रेष्ठता की अपनी थ्योरी दी और उनको जला जला के मारना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें थी, सरकार ने बकायदा उसमें जो है अपने काम किया था, हिटलर ने बकायदा उसमें बढ़ चढ़ के अपने ऑफिसर्स को लगाया था। यहां पर ये सारी चीज नहीं होती, यहां अंग्रेजों ने हाथ खींच लिया, अंग्रेजों ने बोला तुम्हें जो करना है कर लो, हमें जाने दो, हमें मतलब नहीं है, हमने 200 साल जितना लूटना था लूट लिया, अब हमारा मन भर गया, ना हमें दम है, ना क्षमता है, ना ताकत है, जो करना है करो, हमें नहीं पड़ना तुम्हारे मैटर्स में। यहां पे सरकार वायलेंस प्रमोट नहीं कर रही है या ये नहीं बोल रही है कि हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसा जर्मनी में हुआ था आपका हॉलोकॉस्ट में, मगर उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, और वो जो आप इतने लंबे वक्त से अब राज कर रहे हो और सारी चीजें हैं, अब वो बोल रहे हैं जो करना है करो, हमारी भला से हमें मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से जर्मनी का हॉलोकॉस्ट है, जिस तरह से उसको एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं माना जा सकता, उसी तरीके से पार्टीशन जो है उसको भी सिंपली एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं माना जा सकता, मगर लोगों की जो जिंदगियां ये खा गया, जो जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया इसने, जो तबाह कर डाला, वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेंगी जब तक। और उसके बाद में इस दंश को लेकर जो लोग जिए और मर गए कई लोग आपके अन्याय के साथ में, उसको आप जब तक जो है कंसिडरेशन में नहीं लोगे, तब तक पार्टीशन की हिस्ट्री को नहीं समझा जा सकता, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और यही जो आपका ह्यूमन एलिमेंट है, इसको समझने में जो आपको जो एक पर्टिकुलर चीज मदद करती है, एक है आपके मेमोयर्स, यानी कि जो आप लोग अपनी मेमोरीज वगैरह जो उनके ऊपर बीती है उसकी मदद से जो अपनी जिंदगी की कहानियां लिखते हैं या जिंदगी के जो प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में जो लिखते हैं, तो उसके बारे में, और दूसरा जो उनके साथ में बीती है जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हुए हैं उनके बारे में जो लिखते हैं उसकी मदद से इन आपका जो ये पूरी की पूरी जो इवेंट्स हुए थे और आपकी जो उन सारी इवेंट्स की रियलिटीज वगैरह जो हुई थी उन सबको जो है हमको समझने में एक मदद मिलती है। चले आगे बढ़ते हैं।
आप ये जो सारा का सारा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे किसी का आपका वृतांत वगैरह आपको लिखा हुआ मिल जाए, चाहे किसी की डायरी मिल जाए, चाहे किसी की आपको ओरल टेस्टिमनी मिल जाए, ये सारी हिस्ट्री का फायदा ये है कि ये हमको उस वक्त का जो एक्सपीरियंसेस थे लोगों के और जो उनकी मेमोरीज वगैरह थी उसको डिटेल में समझने में मौका देता है। हम लोग उस वक्त का जो एक्सपीरियंसेस वगैरह, एक होता है कि आप किसी को पढ़ लो, किसी के लिखे हुए एक्सपीरियंसेस को आप पढ़ लो और उसको कुछ आप हद तक जो है ग्रास्प करने की कोशिश करो और एनालाइज करने की कोशिश करो। एक होता है आप उसके मुंह से सुनो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो ओरल सोर्सेज वगैरह जो हैं खास तौर पे यात्रा वृतांत और बाकी सारी चीज़ें तो खैर जो भी हैं आपकी हेल्प करती करती हैं, मगर इसके अलावा जो आपके पास में ओरल हिस्ट्रीज वगैरह होती हैं ये आपको एक्सपीरियंसेस और मेमोयर्स वगैरह जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रास्प करने में मदद करती हैं। लोगों ने जो भी अपने वृतांत और बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं अगर आप उनके मुँह से उनको सुनोगे ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसको समझ पाओगे। इससे होता यह है कि हिस्टोरियंस जो हैं उनके पास में काफी ज्यादा रिच अमाउंट में वो कंटेंट आ जाता है जिसकी मदद से फिर हिस्ट्री वगैरह को जो है उस वक्त की रिक्रिएट किया जा सकता है। इट इनेबल्स हिस्टोरियंस टू राइट रिचली टेक्सचर्ड विविड अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड टू पीपल ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज पार्टीशन। सो इस तरीके के इवेंट्स वगैरह जैसा पार्टीशन हुआ था उसमें लोगों के साथ में घटा क्या है उसके बारे में एक बहुत डिटेल में और बहुत रिच तरीके का आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट आप लिखकर तैयार कर सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा विविड तरीके के या फिर काफी सारे लोगों के जो हैं आप एक्सपीरियंसेस को शेयर करकर उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और बहुत ज्यादा रिच सोर्स ऑफ नॉलेज बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इट इज इंपॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज। अब वही बात आ जाती है कि जिस तरीके के अब ये सारे अकाउंट्स वगैरह हैं जिसमें ये सारी बातों को लिखा गया इमोशंस के साथ में और बाकी सारी चीजों के साथ में, ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखने के लिए नहीं मिलती। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखने के लिए इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इस तरीके की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना इंपॉसिबल हो जाता है क्योंकि वहां पर फैक्ट्स वगैरह जो हैं उनको लिखा गया, ह्यूमन इमोशंस और एगोनी और इन सारी चीजों को जो है उसमें तर्जी नहीं दी जाती। द लैटर डील विद पॉलिसी एंड पार्टली मैटर्स ऑफ पार्टी मैटर्स ऑफ वेरियस स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की आप बात करोगे तो उसमें पॉलिसी और बाकी सारी चीजों की बातचीत की गई है और इसके अलावा जो भी आपकी वेरियस तरीके की स्कीम्स वगैरह हैं जो चलाई गई थी उनके क्या असर निकले, क्या नतीजा हुआ, इन सब चीजों के बारे में जो है बातचीत वगैरह की जाती है। तो ये आपको बहुत डिटेल में जो है उस टाइम पीरियड का जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड वगैरह कम से कम ह्यूमन इमोशंस के साथ में नहीं देता। हो सकता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपको फैक्ट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हो मगर ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन रिकॉर्ड्स वगैरह आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं और इस वजह से आपका ये जो पहला सोर्स है या ये वाले जो सोर्सेज हैं वो प्राइमरीली पार्टीशन को समझने में ज्यादा मदद करते हैं बजाय सेकेंड या फिर आपका जो रिटन रिकॉर्ड। इनफैक्ट आपका जो ये मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर का मैप लगाया 15 अगस्त 1947 को न्यूज़पेपर की जो फोटो लगाई है 15 अगस्त 1947, अब इसमें सिंबल सिंबल लिखा हुआ है बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, आपका एक नया देश पैदा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर वगैरह छपी थी। अच्छा जी, अब इसमें जो भी आपकी सारी चीजें हो रही हैं, वायलेंस में इतने मर गए, यहाँ पे ये चल रहा है, देश आजाद हो गया, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें अगर ह्यूमन इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं किया गया कि एक महिला पर, एक पुरुष पर, एक बच्चे पर क्या बीत रही है, इस वक्त में जो रिफ्यूजी हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग रहा था उस पर क्या बीत रही थी, उसका कोई यहाँ पे एक इमोशनल अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलता। एक यहाँ पे उसमें जो ह्यूमन इमोशंस के साथ लिखा गया अकाउंट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरीके की जो है एगोनी वगैरह भी इन लोगों के ऊपर बीत रही होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्टीशन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड फाइल्स एज वेल एज पर्सनल राइटिंग्स ऑफ इट्स हाई लेवल फंक्शनरीज थ्रू एम्पल लाइट ऑन नेगोशिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑन द रिहैबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज बट दे टेल अस लिटिल हाउएवर अबाउट द डे टू डे एक्सपीरियंसेस ऑफ दोस अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस टू डिवाइड द कंट्री। तो वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि पार्टीशन के केस में अगर आप सरकारी रिपोर्ट्स को उठा के देख लोगे या फाइलों को पढ़ लोगे या फिर सरकार के जो ऑफिसर थे या बाकी सारे जो लोग थे जो नेगोशिएशन में लगे हुए थे उनकी पर्सनल राइटिंग्स को उठा लोगे हाई लेवल पर जितने भी बंदे बैठे हुए थे आपको बड़ी ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उन सारे नेगोशिएशंस के बारे में जो उस वक्त अंग्रेजों के बीच में और उस वक्त की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में चल रहे थे कि भारत का किस तरीके से पार्टीशन होगा या फिर भारत का जो है फ्यूचर क्या रहने वाला है पार्टीशन के बाद में, जो रिफ्यूजीज इतने सारे निकल कर आ रहे हैं उनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी बातों का आपको काफी अच्छा रिकॉर्ड मिल जाता है कि कैसे इनको कहां बसाया जाएगा, कहां रखेंगे, अब इनके खाने कमाने की क्या व्यवस्था होगी, ये सारी बातें आपको डिटेल में देखने को मिल जाती है।
जाती हैं। मगर आपको बिल्कुल भी या तो पता नहीं चलता या बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डे टू डे एक्सपीरियंसेस के बारे में उन लोगों के जो अफेक्ट हुए थे सरकार की डिसीजन से कि इस देश का जो है आप बंटवारा होगा। इससे वो लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई या जिनकी अब डे टू डे एक्सपीरियंसेस खराब हो गए, कल तक एक अच्छी कोठी में रहते थे, दो हफ्ते बाद वो अपने आप को रेफ्यूजी कैंप में पाते हैं और लाइनों में लगे हुए और सारी चीजें हो रही हैं। अब उनके ऊपर क्या बीता है, जिंदगी किस तरीके के माहौल में उनको लेकर आई है, किस तरीके की हरकतें उनके साथ में हो रही है, इसके बारे में आपको या तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में या फिर बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपन ने ओरल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझा है, उसी चीज को और एम्फेसाइज करते हुए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ओरल हिस्ट्री ऑल्सो अलाउज हिस्टोरियंस टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन बाय रेस्क्यूइंग फ्रॉम ऑब्लिवियन द लिविंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द पुअर एंड द पावरलेस। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है कि जो आपकी ओरल हिस्ट्री है वो हिस्टोरियंस को एक और चीज देती है, वो ये है कि उनका जो ये डिसिप्लिन है जिसमें वो एक वक्त के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में लिख रहे हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक वक्त की जो हिस्ट्री जब लिख रहे हैं तो उसके हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन की बाउंड्रीज वगैरह जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? ऑब्लिवियन में, जो ऑब्लिवियन का मतलब होता है एकदम नेपथ्य में जो आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह पड़े हुए हैं, एकदम आपका पर्दे के पीछे जो बातें छुपा दी गई हैं या जिनको भुला दिया गया है, लोगों के अगर वो एक्सपीरियंसेस वगैरह गरीब लोगों के और जो पावरलेस लोग थे जिनको इसका दंश झेलना पड़ा, जो ये चाहते नहीं थे कि पार्टीशन हो मगर उनके ऊपर इसको थोपा गया, जब उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह को आप शामिल करोगे, इससे होगा ये कि एक वक्त की जो इतिहास आपने लिखकर तैयार किया, जो हिस्ट्री आपने लिखी है, वो काफी ज्यादा जो है रिच हो जाएगी, काफी ज्यादा जो है वो आपका, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन टच आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा रिच तरीके से उसको सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स जो है उसके डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स जो है उसके डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा आप उसको बना सकते हो, उसको एक लिविंग एक्सपीरियंस बना सकते हो। आप चाहे अब ये जो वुमेन थी थुआ खालसा में उनके बारे में बातचीत कर लें, वो रिफ्यूजीज वगैरह जिन्होंने आपके गेहूं जो है उनके डिटेल में गेहूं वगैरह जो बेचा था और उसकी मदद से जो है अपने आप को पालने की कोशिश करी उसकी बात कर लें, वो महिलाएं वगैरह जो आपका मिडिल क्लास बंगाली विडोज जो आपके दो दो शिफ्टें जो हैं रोड वगैरह बनाने के काम में किया करती थी, एक पेशावरी ट्रेडर जो था जिसने ये सोचा था कि ठीक है पार्टीशन के बाद में कटक में जाकर जो है मैं इंडिया में एक ठीक ठाक जॉब करना शुरू करूंगा और वहां से जिंदगी बनाऊंगा। मगर मजे की बात देखिए कि जब वो कटक पहुंच है तो उसको यह नहीं पता कि कटक में, कटक जो है हिंदुस्तान के अपर साइड में है या लोअर साइड में है, क्योंकि उसने तो कभी कटक के बारे में सुना ही नहीं था। अब्दुल लतीफ के जो फादर थे उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह जो शुरुआती बंदों में आए हैं उनके बारे में जो बातचीत की गई है, तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं इससे अपने को ये समझ में आता है जो पुअर लोग हैं, जो पावरलेस लोग हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या उन पे बीती थी, उनके ऊपर पार्टीशन जब लादा गया तो उनके फिर किस तरीके से जो है उन्होंने जिंदगी में इसके साथ में एडजस्टमेंट वगैरह किया, ये बात अपने को ओरल हिस्ट्री से जो है समझ में आती है। Thus, moving beyond the actions of well-off and the well-known, the oral history of partition has succeeded in exploring the experiences of those men and women whose existence has hitherto been ignored, taken off for granted, or mentioned only in passing in mainstream history. तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आती है कि ये जो जनरली हिस्ट्री लिखी जाती है जिसमें फैक्ट्स के और फिगर्स की बात की जाती है, जो बड़े और पावरफुल लोगों के बारे में बातचीत की जाती है, आपको पार्टीशन की हिस्ट्री की बात की जाएगी तो नेहरू गांधी जिन्ना के बारे में बातचीत की जाती है, इसके अलावा भी आपकी जो ओरल हिस्ट्री है यानी कि जो लोगों से आपने इस वक्त के इवेंट्स वगैरह के बारे में जो बातचीत की है, जो पार्टीशन की ओरल हिस्ट्री है, इसने आपको हेल्प करी है, हिस्टोरियंस को मदद करी है कि ये लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह जो थे जिनके अभी तक एग्जिस्टेंस तक को इग्नोर कर दिया गया था, यानी कि लोगों पे क्या बीती है, महिला पर पुरुष पर क्या बीती है, उन लोगों पे जिन्होंने पार्टीशन का दंश झेला उनके ऊपर किस तरीके की परिस्थितियां आई हैं, जिनके एग्जिस्टेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था और मेनस्ट्रीम हिस्ट्री में जो है उनको कोई खास जगह नहीं दी गई थी, इस तरीके के लोगों के इतिहास को जब, इस तरीके के लोगों की हिस्ट्री को आपने डिटेल में जब कवर किया है तो उसका फिर क्या असर पड़ा, उसका क्या फिर जो है सिग्निफिकेंस निकल कर आया, उन सारी चीजों को जो है डिस्कस किया गया है और उससे जो है आपकी ओरल हिस्ट्री जो है आप कह सकते हैं कि पार्टीशन को ज्यादा बेटर तरीके से समझने में मदद करती है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द हिस्ट्रीज दैट वी रीड ऑफन रिगार्ड द लाइफ एंड वर्क ऑफ द मास ऑफ द पीपल इन द पास्ट एज इनएसेसिबल और अनइंपॉर्टेंट। आप इसके पहले का जितना भी इतिहास पढ़ा है, चाहे एंशियंट का पढ़ा हो, चाहे मिडिवियल का पढ़ा हो, चाहे मॉडर्न में भी जो बातचीत हमने करी है, एक बात जो निकल कर आती है
वो यह है कि जो मासेस ऑफ द पीपल है, यानी कि जो बड़ी संख्या में जो लोगों का जन समूह है, इन लोगों के इतिहास को या तो ये बोल के नकार दिया जाता है कि भाई अब एक एक सर्वे जाकर नहीं पूछेंगे ना कि तुम पर क्या असर पड़ा था, सारी चीजें, तो एक तो इन लोगों का इतिहास इनएक्सेसिबल होता है, या फिर ये बोल के नकार दिया जाता है कि भैया इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो अनइंपॉर्टेंट है, वो मैटर नहीं करती, वो रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरीके से जब आप लोगों के इतिहास को अनइंपॉर्टेंट या फिर इनएक्सेसिबल बोलकर डिस्कार्ड कर देते थे पुराने टाइम पीरियड में, इंडिया के पार्टीशन के साथ में आप ये चीज नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास में ओरल हिस्ट्रीज मौजूद थी और उसने आपको ह्यूमन एलिमेंट के बारे में बताया, और वो जिनको आप इनएक्सेसिबल और अनइंपॉर्टेंट बोलकर डिस्कार्ड कर देते थे उन लोगों को जो है आपने फिर से एक जान फूकी है उनमें, और उन लोगों को जो है आपने रेलेवेंस वगैरह दिया है। तो इसलिए ये भी जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, ये भी जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट घटना बन जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि ओरल हिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हिस्ट्री की रीराइटिंग में कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से वो हिस्ट्री का को जो लिखने का आपका तरीका होता है उसको एक ह्यूमन टच देती है और ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करती है, बजाय सिर्फ फैक्ट्स और फिक्शन फैक्ट्स वगैरह के और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के। और उन लोगों के अकाउंट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन में ले रहे हो जिनको जनरली जो है जिनके इवेंट्स वगैरह को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, मगर इतना सब होने के बाद में भी काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं वो आपकी ओरल हिस्ट्री जो है उसको लेकर स्केप्टिकल है। वो ओरल हिस्ट्री जिसकी मदद से इतने बड़े लेवल पर उन सारे लोगों के को जिनको इसके पहले इतिहासकारों ने इनएक्सेसिबल या अनइंपॉर्टेंट मान लिया था, वो मासेस ऑफ द पीपल, उनके इतिहास का एक हम लोग एक बड़ा अच्छा पहलू जो है पार्टीशन के केस में समझ पा रहे हैं। इस पर्टिकुलर ओरल हिस्ट्री को या इस ओरल एविडेंस वगैरह को कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं बड़े स्केप्टिकली देखते हैं, वो इसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। ये कई बार इसको डिसमिस इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनका कहना होता है कि ओरल डाटा जो है इसमें करेक्टनेस नहीं है, कोई अपने मन से कुछ भी बोल सकता है, तो आप कैसे मान लोगे कि कितनी बात सच है कितनी बात गलत है। हिस्टोरियंस अब एक तो ये बात कह देते हैं, दूसरा ये क्रोनोलॉजी वगैरह जो है उसको ये उसकी क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल उठा देते हैं, जिसके बेसिस पे ये लोग कहते हैं कि जो भी बातें हमको से पता चलेंगी वो प्रिसाइज नहीं हो सकती, उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज होंगे, काफी ज्यादा गलतियां होंगी। अब ये हालांकि आपको ऐसे देखने को लगेगा कि एक बंदा है रिफ्यूजी बना, उसकी जिंदगी पूरी इतनी ज्यादा खराब हुई, उसने नए सिरे से शुरू करी और उसके बाद उसको फिर से बनाया। अब कई सालों बाद एक तो आप उससे पूछ रहे हो तो उसके पुराने जख्मों पे आप नरम एक पुराने जो जख्म है आप उनको कुरेदने का काम कर रहे हो, उस पर आप वो अपनी हिस्ट्री बता रहा है, उस पर एक हिस्टोरियन के परस्पेक्टिव से अगर ये देखोगे कि कोई बोल दे कि यार ये करेक्ट है कि नहीं है, क्रोनोलॉजी में है कि नहीं, बड़ी ये ठंडी बात लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कितनी आप इनसेंसिटिव बात कह रहे हो, मगर एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि इतिहास जो है वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, वो जो चीज़ हुई थी उसको उसी तरीके से जो है या फिर उसके जितना हो सके उतना ज्यादा करेक्टनेस के साथ लिखने की कोशिश करता है, रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कितनी भी ज्यादा तकलीफ हो उस बात से या कितना भी बुरा फील करें या अच्छा फील करें, आपके इमोशंस वगैरह से इतिहास का कोई लेना देना नहीं है, वो उसके प्रति पूरी तरह से ठंडा रहता है। इसीलिए एक हिस्टोरियन को भी अपनी भावनाओं को इंसानी जज्बों को एक तरफ रखकर हिस्टोरिकल परसेप्शन या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही जो है सारी बात करना पड़ती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्टोरियंस अपनी जगह गलत भी नहीं है जो ये क्रिटिकल है इस बात को लेकर कि ओरल डाटा या फिर जो ओरल हिस्ट्री है इसमें करेक्टनेस जो है और साथ ही साथ कंसर्टनेस जो है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि भाई इसमें कितनी बात सच है, कितना फसाना है, कितनी बनाई हुई बातें हैं, कितना एक्सैग्रेशन, ये सारी बातें एक तो, और दूसरा ये कब घटी थी, जब ये पूरा इवेंट हो रहा था उसमें इनके साथ जो घटना हुई है वो कब हो गई उसके बारे में जो है आप कुछ कह नहीं सकते। कॉन्क्रीटनेस एक तो आपकी जो है वो गायब है, दूसरा यह है कि आप क्रोनोलॉजी में कहां फिट होते हो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा संशय की स्थिति है, इसलिए आपकी जो हिस्ट्री है वो इम्प्रिसाइज हो जाती है। ओरल हिस्ट्री पे इसलिए इतना ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। आगे ये कहते हैं हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट द यूनिकनेस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मेक जनरलाइजेशन डिफिकल्ट। इसके अलावा आप ओरल हिस्ट्री में किसी एक बंदे का जो है इवेंट वगैरह सुन रहे हो, आप ओरल हिस्ट्री में किसी एक व्यक्ति की जो है आप जो है कहानी सुन रहे हो, जरूरी नहीं है कि सबके साथ में वही बात हुई हो, तो अगर आप एक व्यक्ति का यूनिक एक्सपीरियंस जो है ले रहे हो तो उसकी मदद से आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। और इतिहास जब किसी कालखंड के बारे में लिखा जा रहा है तो उसको जनरलाइज करके ही लिखना पड़ता है ताकि वो सबके ऊपर लागू हो सके, सब अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कर सके। एक के साथ में अगर बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था तो जरूरी नहीं है कि दूसरों के साथ में भी उसी तरीके की चीजें घटी हो सकता है उससे ज्यादा खराब हो गया हो, मगर फिर वही बात आ जाती है कि एक बंदे का जो ओरल हिस्ट्री का अकाउंट है वो उसका यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको जनरलाइजेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अ लार्ज पिक्चर कैन नॉट बी बिल्ट फ्रॉम सच माइक्रो एविडेंसेस एंड वन विटनेस इज नो विटनेस। तो एक तो फिर वही बात कि एक बंदे के ऊपर हुए घटना के ऊपर आप पूरे के पूरे लार्ज पिक्चर को नहीं बना सकते, और एक बंदे को जो विटनेस है मतलब जिसके साथ वो घटना घटी है वही अपनी कहानी सुना रहा है, तो एक
विटनेस को नो विटनेस माना जाता है, यानी कि एक बंदे की गवाही को इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें उसको तरजीह नहीं दी जाती। जब जनरली बहुत से लोग उसी बात को जब कहते हैं, उस चीज की तस्दीक करते हैं, तब उसका कोई जो है रेलेवेंस बनता है या मैटर बनता है। दे ऑल्सो थिंक ओरल अकाउंट्स आर कनेक्टेड विद टेंजेंशियल इश्यूज एंड दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस विच रिमेन इन मेमोरी आर इररिलेवेंट टू द अनफोल्डिंग ऑफ लार्जर प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री। इनका एक बात और मानना, और ये शायद फिर इनसेंसिटिव हो जाएगा, मगर फिर कहना पड़ेगा, इतिहास एक जब होता है कालखंड में और उससे पूरी की पूरी जब समाज के ऊपर असर पड़ता है तो उसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को टेंजेंशियल इशू माना जाता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं दिया जाता। तो हिस्टोरियंस फिर जो है ये मानते हैं कि जो ओरल अकाउंट वगैरह है ये टेंजेंशियल इशूज हैं, इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है जब आप एक जनरल एक कालखंड का इतिहास लिख रहे हो, एंड दैट द स्मॉल इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस विल विच रिमेन इन मेमोरी आर इररिलेवेंट। और ये जो अलग अलग एक एक बंदे के साथ में जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो उसकी स्मृति में है, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, इनका कोई मैटर नहीं करता। जब आप एक बड़े प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री की के अनफोल्डिंग को देख रहे हो, जब एक बड़े इवेंट को डिस्कस कर रहे हो जिसमें पूरे के पूरे समाज देश कालखंड के ऊपर असर पड़ा, उसमें एक बंदे पे क्या बीती थी मैटर नहीं करता, टेंजेंशियल इशू है, रेलेवेंट नहीं है, उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। फिर ये बड़ी इनसेंसिटिव बात लगेगी, मगर फिर वही बात आ जाती है, इतिहास आपकी और मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करता, वो उनके प्रति ठंडा है, वो चीजों को उसी तरह से या फिर कम से कम उसी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है जैसा वो हुई थी, और उनको जनरलाइजेशन में जो है दिखाया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पार्टीशन की हिस्ट्री में कई सारे आपके जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग ओरल आपका जो सोर्सेज वगैरह हैं उनको डिस्कार्ड तो खैर नहीं करते, मगर उनको लेके क्रिटिकल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये सब टेंजेंशियल इश्यूज हैं, उतना रेलेवेंट इश्यूज नहीं है, हमें तो जनरलाइजेशन के साथ में इतिहास को लिखना है। और इसलिए अब एक बंदे के साथ में या एक इंसान के साथ में या एक फैमिली के साथ में क्या बीती, वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, उसकी मदद से उसको हम लोग एक जनरलाइजेशन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो एक एक्सेप्शन हो सकता है वो उसी के साथ हुआ हो सकता है वैसी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हुई हों, मगर उसके बेसिस पर आप पूरे कालखंड के इतिहास को ये नहीं लिख सकते या ये नहीं बोल सकते कि ऐसा उसी के साथ में हुआ होगा। अब इसके काउंटर में भी अपने पास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, थोड़ा सा अपन उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो पहले वही लिखा हुआ है कि हाउएवर विथ रिगार्ड टू इवेंट्स सच एज द पार्टीशन इन इंडिया and the Holocaust in Germany, there is no dearth of testimony about different form of distress that numerous people faced. तो in spite of the fact कि आप ये बोल रहे हो कि ये सब इतना matter नहीं करता सारी चीज़ें, या फिर इन पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते, ये oral testimonies जो हैं उस पर rely नहीं कर सकते, मगर उसके बाद में भी दो जगहों पर आपको oral testimonies काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती हैं, और वो आपको पूरे के पूरे event को एक नए perspective से समझने में मदद करती हैं। सबसे पहले अगर आप Holocaust की बात कर लें जो जर्मनी में हुआ था या जर्मन्स के द्वारा यूरोप के कुछ इलाकों में किया गया जैसे पोलैंड वगैरह में, और दूसरा अगर आप भारत के पार्टीशन की बात कर लें तो दोनों इवेंट्स वगैरह में ऐसे लोग जिनके ऊपर ये इवेंट बीता है, चाहे जर्मनी में यहूदी या ज्यूज हों जिनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें हुई थी कि गैस चैम्बर्स में उनको ले जा के मारा गया था, या अगर आप पार्टीशन की बात कर लें जिसमें इतने बड़े लेवल पर भयानक सिविल वॉर या दंगे हुए थे, तो इसमें जिन लोगों के ऊपर बीती थी, जिन लोगों ने सारी चीज़ों को फेस किया था, उन ऐसे लोगों की टेस्टिमनीज की कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसे आपके पास में बड़ी संख्या जो है लोग वगैरह आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके की टेस्टिमनीज आपको देंगे, और उनकी मदद से आपको उस वक्त में जो लोग थे उन्होंने क्या क्या चीजें फेस करी, और न्यूमरस लोगों ने क्या क्या चीजें फेस करी, उसके अलग अलग जो उनकी परेशानियां थी, जो कष्ट थे, जो डिस्ट्रेस थे, उनके फॉर्म्स के बारे में आपको पता चलता चला जाएगा। तो यहां से कुल मिला के इतना क्लियर है कि आपके पास में बहुत सारा एविडेंस है, ओरल टेस्टिमनी की भी बात की जाए, जिसमें हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों से कितना अलग जाता है, और हम लोग जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, आपने 2-4-5 बंदों की टेस्टिमनी ली तो इतिहासकार ये बोल सकते हैं कि हो सकता है इन 5 लोगों के साथ जो घटनाएं घटी हों वो इन्हीं के साथ घटी हों, और इस तरीके की चीज़ें आपको जनरली देखने को ना मिली हो, हो सकता है इस तरीके की घटना इन जनरल आपको लोगों के साथ में देखने को ना मिली हो, मगर अगर इसकी जगह आपने 5,00,000 लोगों की या 50,000 लोगों की टेस्टिमनी ले ली, तो ये 5,00,000 या 50,000 लोग एक पर्टिकुलर घटना के में अपने साथ जो हुई चीज़ें बताएंगे, तो उन सबकी बातें सुनकर हमको इतना तो समझ में आएगा कि आखिर कॉमन पैटर्न क्या है, हमको इतना तो समझ में आ जाएगा कि पार्टीशन का असर अगर इनके ऊपर हुआ है और उसी के चलते इन्होंने ये एक ही अगर एक पर्टिकुलर दौर से इनको गुजरना पड़ा, तो कुछ चीज़ें तो अलग होंगी, हर एक व्यक्ति के साथ में अलग होती हैं, मगर कुछ एक्सपीरियंसेस तो कॉमन होंगे ना, कि पार्टीशन का जो शौक लगा एकदम से कि एक
आपको खबर मिली, उसके बाद सब छोड़ना पड़ा, रेफ्यूजी बनना पड़ा, उस बीच में फिर जो कॉमन चीजें हुई होंगी वो इन 50,000 लोगों की या 5 लाख लोगों की टेस्टिमनी में आपको पता चल जाएंगी। तो इन सब चीजों की मदद से आप करोगे क्या कि आप जनरलाइजेशन जो मिलेगा उसको आप इतिहास का हिस्सा बना सकते हो। और अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस वगैरह निकल कर आते हैं कि एक ऐसी चीज है जो सब लोग बोल रहे हैं और एक ऐसी चीज है जो सिर्फ 5 या 10 लोग बोल रहे हैं, तो सब लोग जो बोल रहे हैं उसको तो आप इतिहास में या हिस्ट्री की राइटिंग में शामिल कर सकते हो, मगर जो सिर्फ 5 लोग या 10 लोग बोल रहे थे उस चीज को आप एक्सेप्शन मानकर हटा भी सकते हो। उसको आप ये मान सकते हो कि ये जो है आपका एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ में हुई चीज है, इसको हम लोग इतिहास में हिस्सा नहीं मान सकते या इसको रेलेवेंस नहीं दे सकते, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। उसी को आगे बढ़ाते हैं कि बाय कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स ओरल और रिटन बाय कोलैबोरेटिंग विद व्हाट यील्ड विद फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड बाय हियरिंग विजिलेंट अबाउट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हिस्टोरियन कैन वे द रिलायबिलिटी ऑफ अ गिवन पीस ऑफ एविडेंस। तो वही बात जो है कि अगर आपके पास में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं रिटन में या फिर अगर आपके पास में टेस्टिमनीज वगैरह हैं ओरल में, आप इतिहासकार हो तो फिर आप बेसिकली अलग अलग सोर्सेज तलाशते हो, तो या तो आपके पास में रिटन रिकॉर्ड्स होंगे या फिर आपके पास में कोई ओरल रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इन सबको अगर आप कंपेयर करोगे, इन ओरल और रिटन रिकॉर्ड्स को आपके पास में जो दूसरे सोर्सेज वगैरह हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इन सब की फाइंडिंग्स वगैरह के साथ जब आप कंपेयर करोगे एंड बीइंग विजिलेंट अबाउट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस, और इनमें जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं आपस में, जो भी इनमें जो है अलग अलग आपको बातें वगैरह देखने को मिल रही हैं, अगर आप उनको लेके थोड़ा सा सचेत हो, उनको लेके थोड़ा सा अवेयर हो, तो हिस्टोरियंस इसकी मदद से कर ये सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई एविडेंस आया है तो उसकी रिलायबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह है, यहां से ये बात जो कहने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप अल्टीमेटली ये नहीं है कि आपका ओरल एविडेंसेस वगैरह जो है उसको टोटली आप डिस्कार्ड कर दो, ओरल एविडेंसेस वगैरह जो है उसको आप टोटली ये बोल दो कि ये किसी मतलब के नहीं है, इस तरीके की चीज नहीं की जा सकती। अल्टीमेटली इन सारी चीजों को जो है ओरल एविडेंसेस वगैरह की मदद से हिस्ट्री को जो है काफी इनरिच किया जा सकता है और ओरल एविडेंस को भी प्रामाणिक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में, क्योंकि लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर पार्टीशन का दंश टूटा था, तो उनकी मदद से जो है आप अपनी चीजों को कोलैबोरेट कर सकते हो, आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात और निकल कर आ रही है, ये जो आप टेस्टिमनीज वगैरह ले रहे हो बेसिकली आप उन लोगों की ले रहे हो जो शरणार्थी बने या फिर जिनके ऊपर पार्टीशन का असर पड़ा। इनमें एक जनरल बात तो आपको देखने के लिए मिलती है कि ये सबके सब या तो एकदम ही पुअर और डाउन ट्रोडन थे या फिर वेल टू डू फैमिलीज थी आपकी जो मिडिल क्लास वगैरह में आती थी, जिनको फिर बाद में रिफ्यूजी बनकर गरीबी में और कष्ट में जो है अपना जीवन काफ़ी वक्त तक काटना पड़ा। तो जब आप हिस्ट्री में ऐसे लोग जो बहुत सामान्य थे और जो पावरलेस थे, जिन्होंने पार्टीशन का फैसला लिया नहीं था मगर जिनके ऊपर पार्टीशन का फैसला थोपा गया था, जिनको अपनी नियति या फिर अपनी जो भी डेस्टिनी थी उसका फैसला लेने का या उसका निर्णय लेने का अधिकार जिनको नहीं दिया गया, जिनके बिहाफ पर पूरे पूरे देश के निर्णय जो है लोगों ने ले लिए और उसके बाद में उनको जो है इस तरीके की जिंदगी की तरफ धकेला गया, तो इस तरीके के ऑर्डिनरी लोग जो हैं, इस तरीके के जो सामान्य लोग हैं एक, और इस तरीके के जो पावर लेस लोग हैं, जब इनको आप कंसिडरेशन में लेते हो, जब इस तरीके के लोगों को की बात को जब आप इतिहास का हिस्सा बनाते हो, तो जो ओरल हिस्ट्री है वो सिर्फ टेंजेंशियल मैटर से रिलेटेड नहीं रह जाती। जैसे कि जो टेंजेंशियल मैटर की बात पहले आपने हम लोगों ने करी है कि हिस्टोरियंस बोलते हैं ऐसे कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातें जो हैं वो तो छोटी मोटी इररिलेवेंट चीज़ें हैं, किसी के साथ घट गई तो क्या हो गया, तो ये तो टेंजेंशियल मैटर है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है कि जब आप ऐसे गरीब और ऐसे कमज़ोर लोगों के इतिहास को कंसिडरेशन में लेते हैं जिनके ऊपर पार्टीशन था, जिनके ऊपर पार्टीशन का दंश जो है लगा था, तो अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते कि ये फिर मतलब आपका टेंजेंशियल मैटर है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टीशन में सबसे ज्यादा जो तबाही हुई थी वो इन्हीं लोगों की हुई थी। तब आप ये नहीं बोल पाओगे कि पार्टीशन की जो ये हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री है, सिर्फ टेंजेंशियल मैटर से रिलेटेड है। द एक्सपीरियंस इट रिलेट्स आर सेंट्रल टू द स्टोरी सो मच सो दैट ओरल सोर्सेज शुड बी चेक विद अदर सोर्सेज एंड वाइस वर्सा। आप जो एक्सपीरियंसेस वगैरह यहां पर निकल कर आते हैं, जो ये लोग बातें बताते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी पार्टीशन की कहानी में सबसे केंद्र में रहती है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे सेंट्रल थीम है, ठीक है जी। एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट है कि आपकी जो ओरल सोर्सेज वगैरह हैं इनको आपको बकायदा दूसरे सोर्सेज वगैरह के साथ में क्रॉस चेक करना चाहिए एंड वाइस वर्सा, दूसरे सोर्सेज में अगर जो बातें लिखी गई हैं आप उनको ओरल सोर्सेज के साथ में क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये इतना ज्यादा रेलेवेंट या फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैव टू बी ट्रैप्ड फॉर आंसरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपके अलग अलग तरीके के सवाल निकल कर आते हैं कि महिलाओं के ऊपर किस तरीके
तरीके का जो है असर पड़ा उसके लिए आपको महिलाओं से अलग तरीके के सवाल पूछना पड़ेंगे, बच्चों के ऊपर क्या ट्रॉमा पड़ा उसके लिए आपको अलग तरीके के सवाल पूछना पड़ेंगे, जो आपके पुरुष थे पुरुषों में भी कई कैटेगरी आ सकती है, बूढ़े लोगों पर क्या असर पड़ा वो एक अलग आपका एक जवाब बनेगा उसका, जो आपके जवान थे उनके ऊपर क्या पड़ा, जो एकदम एडोलेसेंट थे या फिर जो आपके एकदम जवानी की तरफ जा रहे थे 14-15-16-17 साल के लड़के उन पर क्या असर पड़ा, इसके बाद में जो आपकी मिड एजेस में आ जाते हैं 20s में 30s में 40s में उनमें जो लोग थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे आप जो है अलग अलग तरीके के सवाल पूछ के अलग अलग तरीके के आप एविडेंसेस वगैरह इकट्ठा कर सकते हो और अलग अलग सोर्सेज जो हैं उसमें अलग अलग तरीके के आपको सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। तो कुल मिला के हर एक सोर्स आपको इतिहास के एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा और ओरल हिस्ट्री कम अज कम हमारे पार्टीशन के इतिहास की बात की जाए जो इमीडिएटली अभी 70 साल पहले बीता है उसके बारे में हमको काफ़ी बहुत आप इस तरह से कह सकते हैं काफ़ी रेलेवेंट जानकारियां हमको देता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स फॉर इंस्टेंस विल टेल अस अबाउट द नंबर्स ऑफ रिकवर्ड वुमेन एक्सचेंज बाय द इंडिया एंड पाकिस्तानी स्टेट्स बट इट इज द वुमेन हु विल टेल अस अबाउट देयर सफरिंग। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कई सारे सोर्सेज वगैरह जो है वो मिलकर आपको एक चीज़ की सही पिक्चर बताएंगे। अब जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वगैरह में महिलाएं जिनको रिकवर किया गया था जिनके बारे में हमने बात करी थी कि कोट अनकोट जिनको रिकवर करने की बात की गई थी तो कितनी महिलाएं पाकिस्तान और इंडिया से रिकवर हुई उसके बारे में तो हमको गवर्नमेंट के सोर्सेज से पता चल जाएगा, मगर अल्टीमेटली उन महिलाओं के ऊपर क्या बीती है या क्या नहीं बीती है वो तो वो महिलाएं बता सकती हैं। तो गवर्नमेंट का सोर्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि वो आपको डाटा दे देगा, मगर ये आपका जो ओरल सोर्स है जो ओरल आपका टेस्टिमनी है ओरल रिकॉर्ड्स वगैरह है ये इसलिए इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने को ह्यूमन इमोशन जो है उसके बारे में बातचीत करेगा, ये ह्यूमन टच के बारे में हमको बताएगा, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम लोगों ने बातचीत करी कि आपके वेरियस सोर्सेज में ओरल हिस्ट्री जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि अगर आपके पास में एविडेंसेस अगर आपको कलेक्ट करना है तो ओरल एविडेंस कलेक्ट करना तो सबसे ज़्यादा आसान है, कोई घटना घटी उसको जिन लोगों के ऊपर बीती होगी सिर्फ आपको उनको जाकर ढूंढना है उनसे आप सवाल जवाब करो वो आपको जवाब दे देंगे और आपके पास में ओरल रिकॉर्ड या फिर ओरल एविडेंस आ गया। इतना आसान नहीं होता, चीज़ें इतनी ज़्यादा इजीली भी नहीं चलती, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उसके बारे में हमको बात करना पड़ेगी। वी मस्ट रियलाइज हाउएवर दैट ओरल डाटा ऑन पार्टीशन आर नॉट ऑटोमेटिकली और इजीली अवेलेबल। सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके पास में पार्टीशन का ओरल डाटा जो है लोगों की जबानी बोला गया जो डाटा है वो बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होता या फिर ये भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप जाके बैठोगे और आपको जो है सब कुछ जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। इसको ऑप्टेन करने के लिए आपको जो है इंटरव्यूज लेना पड़ते हैं और उस इंटरव्यू में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो आपको एम्पैथी यानी कि सांत्वना रखना पड़ती है मगर साथ ही साथ आपको टैक्टफुल तरीके से चलना पड़ता है, आपको जरा नीति के साथ में चलना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज़ के बारे में आप बात करने वाले हो वो उस व्यक्ति के ऊपर बीती थी और वो तकलीफदायक इवेंट रहा है। अब उसके बारे में जब आप बात करोगे तो वो दर्दनाक चीज़ें हैं वो एकदम से निकल कर नहीं आती, कई बार लोग बताने से भी बचने की कोशिश करते हैं, ऑल टुगेदर एक अलग आदमी है स्ट्रेंजर है उसको आप बताना भी नहीं चाहोगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको इंटरव्यू से जितना हो सके उतना सच या फिर जितना हो सके उतना ज़्यादा फैक्ट्स या फिर एक्सपीरियंसेस निकलवाने हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि करते वक्त जब इंटरव्यूज़ आप लेते हो इस तरीके से कम अज़ कम ओरल टेस्टिमनीज वगैरह में या फिर ओरल हिस्ट्री के लिए आपको जो इंटरव्यूज लेना पड़ते हैं उसमें आपको एम्पैथी यानी कि सांत्वना और टैक्ट दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। टैक्ट का मतलब होता है आपको चतुराई के साथ में चलना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो जो है जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो ये है कि जो व्यक्ति के ऊपर बीती है जिसका आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि वो बात ही ना करना चाहे उस चीज़ के बारे में क्योंकि जो इवेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थे, वो बहुत खतरनाक तरीके के इवेंट्स थे और वो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके माता पे क्या बीती, उसके पिता पे क्या बीती, उसकी बहन पे क्या बीती, उस पर क्या बीती और जो चीज़ें हुई उनका फिर उसकी फैमिली पर क्या असर पड़ा, उसके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ा और इन सब चीज़ों का कंसिक्वेंस क्या निकल कर आया, उसकी ज़िंदगी किस तरीके की बनी, ये सब ना होता तो उसकी ज़िंदगी किस तरीके की बन सकती थी, इन सारी चीजों का जो है वो एक बहुत ह्यूमन साइकी जो होती है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। तो पहली चीज तो यही है कि आपका जो प्रोटेगनिस्ट है जिसका आप इंटरव्यू लेके सारी चीजें करना चाहते हो वो बात ही ना करना चाहे अपने इन अति से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। इसका एक एग्जांपल है कि जो महिला है जिसके साथ में बेअदबी हुई है, एक ऐसी महिला जिसके साथ में बेअदबी हुई थी, आखिर वो क्यों अपनी इस तरीके की भयानक ट्रेजेडी को एक ऑल टुगेदर स्ट्रेंजर इंसान के साथ में बात शेयर करना चाहेगी, आखिर वो क्यों बताएगी और
और वो भी अगर ये घटना कई सालों पहले घटी है तो इस तरीके की बातें करना तो अल्टीमेटली पुराने घाव खोलने वाली बात होती, क्योंकि इंसान आखिरकार अपनी जो चीजें हैं उनको भूल कर आगे बढ़ना चाहता है। और इस तरीके की अगर किसी महिला के साथ में बेअदबी हुई है, ये तो जिंदगी भर का एक ऐसा घाव है कि आप भुलाए नहीं भूल सकते। उसके बाद में भी अगर कोई आगे बढ़ रहा है इन चीजों को छोड़ के, तो और एक दिन आप उम्मीद करते हो कि आप अपना कैमरा लेके और माइक लेके पहुंच जाओगे और सवाल करोगे और कोई हंसते मुस्कुराते या खुश होते हुए जवाब दे देगा या नॉर्मल तरीके से बात कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। सफरिंग बहुत पर्सनल होती है और वो उस तरीके से शेयर नहीं की जा सकती। इसको कई बार ये भी कहते हैं कि जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। ये बात लिटरली बहुत सच होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो किसी का रहता है उसको शब्दों में कभी भी आप उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो भावनाएं और वो इमोशंस जो किसी में बीत रही होती हैं एक वक्त पे, उनको फिर दूसरी बार रेप्लीकेट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट वो व्यक्ति भी उनको रिकॉल करते वक्त उस तरीके से जी नहीं सकता। चले आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यूज जो हैं इनको कई बार आपको हैव टू ऑफन इंक्वायरिंग इनटू पर्सनल ट्रॉमा। तो आपके जो इंटरव्यूअर्स वगैरह हैं, इंटरव्यू वगैरह में आपको कई बार, क्योंकि पर्सनल ट्रॉमा के बारे में बातचीत करनी है, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ जो चीज़ें बीत गई थी, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर गई थी, जो बहुत तकलीफदायक थी, इन पर्सनल ट्रॉमाज वगैरह के बारे में इंटरव्यूअर जो है उसको बातचीत करना पड़ती है। दे हैव टू बिल्ड अ कंसिडरेबल रैपर्ट विद रिस्पॉन्डेंट्स बिफोर दे कैन ऑब्टेन इन डेप्थ एंड मीनिंगफुल डाटा। मतलब ये कि अब क्योंकि आपको इस तरीके की चीजें डिस्कस करनी है जिसमें तकलीफदायक बातें होंगी और ये सारी चीजें हैं, तो पहले आपको आपका जो इंटरव्यू जिसका लेना है उसके साथ में आपको एक पर्सनल जो है एक अपना टेम्पो बनाना पड़ेगा, एक पर्सनल जो है आपको थोड़ा सा उसके साथ में बातचीत करके उसे कंफर्टेबल करना पड़ेगा, उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप उससे बातचीत कर सकते हो और वो आपको सही में जो है इन डेप्थ और मीनिंगफुल डाटा आपको देगा। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर एक और प्रॉब्लम आती है, वो है स्मृति की, यानी कि जो आपकी मेमोरी है, स्मृति जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार लोग जो हैं, अब जो भी अपनी बातचीत बताएंगे, जो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे, ये उसी के बेसिस पे बताएंगे जितना उनको याद होगा, या फिर जो भूल चुके होंगे उसके बेसिस पर वो बातें आपको वो नहीं बता पाएंगे या उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे उन सारे इवेंट्स के बारे में जो कई दशक पहले जो है घट चुकी हैं। तो ये भी याद रखना पड़ता है कि व्हाट पीपल रिमेंबर और फॉरगेट अबाउट एन इवेंट व्हेन दे आर इंटरव्यूड a few decade later will depend in the part on their experiences of interviewing experiences of the intervening year and on what happened to the communities and nations during those years. So ye bhi apne ko yaad rakhna padega jab aap kai saalon baad ya kai dashkon baad kisi ghatna ke bare mein baat kar rahe ho, aapko pata wahi chalega jo samne wale ko yaad tha ya fir samne wala jo hai jitna yaad rakh paya. To aur iske alawa ye bhi hai ki kis tarike ke events wagera hue uske baad mein desh wagera mein, kai bar kya hota hai cheeze bahut zyada kharab hone ke baad mein theek hone lagti hain, jaise Hindustan mein hua कि चीजें जितनी खराब होनी थी 1947 में हो गई, उसके बाद जैसे तैसे हमने गिस्ते के साथ शुरुआत करी। 1975 में इमरजेंसी लगी, 2-3 साल फिर आपका एक खतरनाक सा दौर आया था, मगर मोर और लेस बुरी सही जिस तरह से भी हम लोग अपने कछुए की चाल से चलते रहे। और एक दिन ऐसा भी आया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा। अब जब चीजें लोगों की ठीक होने लगी तो फिर पुरानी बातें बोल के लोग आगे बढ़ने लगे। अब इसी की जगह पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो एक के बाद एक वहां पे मार्शल लॉ लग रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर को लटका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्थितियां खराब रही। तो वो एक ऑल टुगेदर अलग तरीके का माहौल था वहां पे, सिवाय नफरत और जहर के उन्होंने अपनी जनरेशन में कुछ नहीं भरा। उसका नतीजा ये निकला कि एक रेडिकलाइज सोसाइटी निकल कर आई। उस सोसाइटी को रेडिकलाइज रखने के लिए पार्टीशन के जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, इनमें जहर भर भर के बच्चों में जो है नसों में घोला गया और उसका जो नतीजा है इस तरीके का एक माहौल निकल कर आया जो भर भर कर आपको जो है टेररिस्ट वगैरह प्रोवाइड कराता है और बड़ी मात्रा में जो है वो न्यूसेंस वगैरह बनाया हुआ है सोसाइटी को। उसी की जगह इंडिया की बात की जाए तो आपने कम से कम ये नहीं किया कि पार्टीशन को जो है याद रख रख अपने अंदर या अपने नस्लों में या बच्चों में जहर भरा। आपने याद रखा, आपने इस चीज को पढ़ा, आपने रैशनली एनालाइज किया। इसकी वजह यह थी ताकि इस तरीके की चीजें फिर आगे आपका जो है समाज में ना घटे, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको फिर से ना महसूस करना पड़े। मगर आपने कभी उसका इस्तेमाल कर अपनी आने वाली नस्लों को खराब नहीं किया, तो उसका नतीजा यह निकला कि जो लोगों पर बीती थी वो भी धीरे 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 इन चीजों को भूलने लगे और इन सारी चीजों के बारे में बातचीत नहीं हुई, करना बंद कर दी गई, मेन स्ट्रीम में इस पर उतनी डिस्कशन वगैरह नहीं हुई, तो चीजों को भुला दिया गया। और काफी लोग जो एक्सपीरियंसेस अगर आपने इस तरीके के लेकर आए थे उन्होंने भी अपनी काफी सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह को मिस कर दिया। तो एक ही एक्सपीरियंस जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, तो दोनों जगहों पर कम्युनिटीज को किस तरह से रखा गया, देश किस तरीके से जो है डेवलप हुआ, उसके बेसिस पर भी डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस को आपको किस तरीके से बताएंगे। गुस्से में, नफरत में, कुंठा में आपको जहर मिलेगा किसी व्यक्ति से, या फिर वो एक रैशनल बात करेगा, आपको तकलीफ और आंसू जो है देखने के लिए मिलेंगे, या कोई एकदम शांति के साथ में आपको रैशनल एक्सपीरियंस बताएगा। डिपेंड करता है कि उसके साथ वो घटना होने के बाद कितना वक्त बीत चुका है, उसे कितना याद है और वो जिस माशरे में या जिस माहौल में या जिस तरीके के समाज में रहा उसमें किस तरीके की सरकमस्टांसेस वगैरह उस बीच में घट चुकी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
तो जो आपके ओरल हिस्टोरियंस वगैरह हैं, यानी कि वो लोग जो खास तौर पे किसी इवेंट की अगर कोई घटनाएं हुई हैं तो उनके बारे में लोगों जिन पे बीती थी उनसे जा जाकर आपके एक्सपीरियंसेस और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करते हैं, इन ओरल हिस्टोरियंस वगैरह का एक टास्क ये हो जाता है कि पार्टीशन के वक्त में जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे उनको आपको कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज वगैरह में से निकालना पड़ता है, और ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा समझते हैं, एक घटना हुई, वो घटना जब आपके दिमाग में फ्रेश है तो आप उसको जस का तस डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है जी। अब उसको अगर एक हफ्ते बाद आप रिकॉल करोगे तो आपको वो उस तरीके से याद नहीं रहेगी जैसे वो आपकी आंखों के सामने फ्रेश घटी थी। इसी तरीके से अगर वो घटना 10 दिनों के बाद में या 1 महीने के बाद में अगर आप देखते हो तो फिर वो जो है अलग तरीके से आपके ऊपर असर डालेगी। अगर 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में आप उसी घटना को याद करते हो या एनालाइज करते हो तब आपको समझ में आता है कि वो इस तरीके, तब आपको ये समझ में आता है कि जितना आपको एकदम पहले दिन या दूसरे दिन वो फ्रेश याद थी उतना ज्यादा वो अच्छे से अब आपको याद नहीं है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे घटना या फिर एक इवेंट या एक इंसिडेंट जो है वो आपको जिस तरीके से शुरुआत में याद था वैसे उतना अच्छे से याद नहीं रहता। कुछ वक्त के बाद दिमाग उसमें चीजें अपनी तरफ से ऐड करने लगता है और वो चीजें जो हुई नहीं थी शायद आपको या तो वो भी रिकॉल कराने लगता है, या जो चीजें हुई थी उसमें से काफी सारी चीजें निकल जाती हैं, कोई जो है अपनी तरफ से उसमें कुछ बातें जोड़ देता है, इस तरीके से वो चीज जो एक्चुअल में हुई थी उससे वो काफी ज्यादा अलग हो जाती है। तो अब आपका एक ओरल हिस्टोरियन जो है, जो किसी के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट वगैरह घटा था, उस इंसिडेंट या इवेंट वगैरह वो जो घटा है किसी भी बंदे के ऊपर, वो उसकी जो अपनी मेमोरीज वगैरह जो उसके दिमाग में है उसके उसका जब वो डिस्क्रिप्शन वगैरह कर रहा है तो उसमें से एक्चुअल जो घटना है, जो आपका इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो दूध और पानी को मिलाया गया है उसमें से जो दूध को अलग करना है वो एक बहुत डॉन्टिंग टास्क हो जाता है एक ओरल हिस्टोरियन के लिए। और इसके भी तकनीक होती हैं, इसका भी जो है अपना तरीके होते हैं, और इसकी मदद से आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं वो निकालना पड़ते हैं, ठीक है जी। और उसी के आगे फिर हम लोग बात को बढ़ाते हैं। इन द फाइनल एनालिसिस मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स मटेरियल हैव टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ पार्टीशन। लास्ट में फिर वही बात निकल कर आती है कि आपको कई सारे डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप पार्टीशन का कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सो दैट वी सी इट नॉट ओनली एज एन इवेंट एंड प्रोसेस बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ दोज हु लिव्ड थ्रू दोज ट्रॉमेटिक टाइम्स। इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनल एनालिसिस होता है जब आप अलग अलग सोर्सेज वगैरह की मदद से अल्टीमेटली आप लिखकर अपना जो पार्टीशन का इवेंट वगैरह है वो तैयार करते हो, जब आपका फाइनल जो एनालिसिस वगैरह निकल कर आता है तो उसमें जो अलग अलग सोर्स मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल वगैरह आपने किया है, इन सब की मदद से जो है आप पार्टीशन का जो अकाउंट करोगे या जो लिखोगे उसका इतिहास वो अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसमें हर तरीके के एनालिसिस और आपके इमोशंस वगैरह को जो है आपको शामिल करना जरूरी है। इससे होगा ये कि आप ये पूरी की पूरी इवेंट को, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है उसको उसको आप सिर्फ एक प्रोसेस की तरह नहीं देखोगे, आप उसको एक प्रक्रिया की तरह या फिर एक ऐसा सिर्फ एक घटना हुई थी और वो बीत गई इस तरह से नहीं देखोगे, मगर आप उसमें जो लोग थे जिनके ऊपर ये बीती उनके एक्सपीरियंसेस जो रहे और ये जो ट्रॉमेटिक टाइम्स वगैरह से वो लोग गुजरे, इस पर्टिकुलर चीज को जो है आप देखकर सही तरीके से जो है एनालिसिस कर पाओगे, आप उसको सही तरीके से जो है उसका सही विवरण कर पाओगे जिससे कि जो आने वाली जनरेशन वगैरह रहेंगी वो समझ पाएंगी और वो ज्यादा बेटर तरीके से जो है इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे कि आखिर पार्टीशन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और आगे ऐसा क्या करना है कि इस तरीके की चीजें फिर से दोहराई ना जा सकें। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इसी के साथ में अपना जो चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स वगैरह जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर खत्म किए हैं। इसके बाद जो लास्ट इवेंट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में रह जाता है वो इसकी टाइमलाइन वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। चले तो ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में आता है अपना टाइमलाइंस वगैरह। टाइमलाइन में सबसे पहला इवेंट है 1930। द उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल या फिर इसको कई बार इकबाल लाहौरी भी कहा जाता है स्पीक्स ऑफ द नीड फॉर अ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम स्टेट एज एन ऑटोनोमस यूनिट विद अ सिंगल लूज इंडियन फेडरेशन। 1930 में ये जो आपका शायर था इकबाल लाहौरी या फिर इसको मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, ये पहली बार जो है ये बात बोलता है कि अपना जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर एक इंडियन आपका एक इंडियन मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, यानी एक ऑटोनोमस यूनिट के तौर पे, यानी कि हमें एक अलग से प्रोविंस या एक प्रांत बनाना चाहिए जिसमें ज़्यादा कोई दखलंदाजी ना हो और ये लूज फेडरेशन में होना चाहिए,
इंडियन, ये एक आपका सिंगल इंडियन फेडरेशन के साथ में लूज आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स के अलावा जनरली बाकी सारे मैटर्स में इसमें दखल अंदाजी ना कर पाए। 1930 में इकबाल लाहौरी या फिर मोहम्मद इकबाल ये बात कहता है। इसके बाद आता है 1933, द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान इज कॉइंड बाय अ पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज, चौधरी रहमत अली। ये बात अपन लोगों ने कर ली थी कि कई लोग ये भी कहते हैं कि ये फसाना है, कई बार लोग ये भी कहते हैं, बात को उड़ाया गया था, कई लोग ये भी कहते हैं कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता क्योंकि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान था उसमें आपका ईस्ट पाकिस्तान भी आता है, उसमें वेस्ट पाकिस्तान भी आता है। ईस्ट पाकिस्तान तो मेजॉरिटी में था जो बाद में बांग्लादेश बन गया, जहां सारा नाटक हुआ, मुस्लिम लीग जीती थी, उसको भाई लोगों ने शामिल ही नहीं किया और उसके बिना अपना सो कॉल्ड अपना जो एक महान देश बना रहे उसका नाम आपने रख दिया। तो कई लोग ये कहते हैं कि बनी बनाई कहानी है, मगर फिर भी ठीक है, इसको शामिल किया गया। तो 1933 में ये होता है, ये रहमत अली नाम का जो लड़का है, चौधरी रहमत अली या जो भी इसका नाम था, ये इस तरीके की हरकत देता है। इसके बाद आता है 1937 से 39, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कम टू पावर इन 7 out of 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जितना बुरी तरह से हारता है मुस्लिम लीग, बुरी तरह से हारती है 1937 से 39 के बीच में, 11 में से आपका जो है 7 प्रोविंसेस में, 5 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है, 2 में दूसरे के साथ में मिलकर 7 प्रोविंसेस में कुल मिलाकर ये सरकार बनाकर अपनी जो है तैयार कर लेते हैं और मुस्लिम लीग जो है बुरी तरह से यहां पर निपट जाती है। कांग्रेस 7 जगहों पर सरकार बना के 2 साल तक चलाती है 1937 से 38 39। चले आगे बढ़ते हैं, 1940 लगता है, द मुस्लिम लीग मूव्स द रेजोल्यूशन एट लाहौर डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। अब इकबाल लाहौरी ने जो बकवास करी थी 1930 में, मुस्लिम लीग इसी बात को लेकर अब जो है आपका एक रेजोल्यूशन लेकर आती है 1940 में, और ये बोलते हैं लाहौर में, इसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, कई लोग इसको फिर बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और ये इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के जो इलाके हैं उसमें ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, सिर्फ एक ही बेसिस पे कि रिलीजन अलग है तो हमको जो है अलग से रहने का अधिकार चाहिए, इस बेसिस पर ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। आगे 1946, इलेक्शंस आर हेल्ड इन द प्रोविंसेस, द कांग्रेस विंस मैसिवली इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, द लीग सक्सेस इन द मुस्लिम सीट्स इज इक्वली स्पेक्टेक्युलर। 1946 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, अब जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं थे उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो मिलती है। मुस्लिम लीग जितनी भी आपकी मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स थी यानी कि जो सेपरेट मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट थे जिनके ऊपर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था और सिर्फ मुसलमान ही जो है वो वोट डाल सकते थे, उन सारी सीट्स वगैरह में मुस्लिम लीग जो है उसको उतनी ही ज्यादा, जितनी अच्छी कांग्रेस ने परफॉर्मेंस आपका जनरल सीट में दी थी लगभग उतनी ही इक्वली स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे आपको प्रोविंसेस में देखने के लिए मिलती है। लगभग 90-91% जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम लीग के साथ में जाता है, और आपका जो सेंट्रल प्रोविंस थी उसमें जो 30 सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी वो सारी की सारी मुस्लिम लीग जीत जाती है, और 500 से ज्यादा सीटें जो आपका प्रोविंसेस में आपका रिजर्व थी उसमें से 442 के करीब जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो कुल मिलाकर यहां पर साफ समझ में आता है कि पोलराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया था, मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी की आपकी जितनी भी सीटें वगैरह थी और आपका मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट जितने थे वहां पर एक प्रीडोमिनेंट फोर्स बनकर निकल कर आया, कांग्रेस बाकी सारे देश के लिए रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वगैरह के लिए एक प्रोमिनेंट फोर्स के तौर पर निकल कर आता है। चलें आगे बात करते हैं, फिर आता है मार्च टू जून, यानी इसी महीने का 46 की बात की जाए तो उसका मार्च से जून की बात की जाए। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट 3 लड़कों की कमेटी भेजती है जिसको बोला गया था कैबिनेट मिशन। अब ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था इसलिए भी इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। आगे इसी साल का अगस्त जो है उसमें मुस्लिम लीग जो है जब इनको समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान की इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी, कैबिनेट मिशन ने भी जो है इसको आपका रिजेक्ट कर दिया है, तो अल्टीमेटली फिर ये लोग डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसकी डिमांड करते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान डायरेक्ट एक्शन डे करके लेंगे, लड़के लेंगे। अब इस बात को लेके जिन्ना ने बाद में सफाइयां दी हैं, मुस्लिम लीग के लोगों ने जमकर झूठ बोले हैं कि हम तो ये चाहते थे कि हड़ताल की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से जो है पोजीशंस निकाले जाएं ये और वो, मगर जो स्पीचेस दी गई थी उसमें फिर वो ये जहर और इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा था कि जब आपने डायरेक्ट एक्शन डे का जो है डिमांड ये डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल दिया ये बोल के कि डायरेक्ट एक्शन की मदद से हम पाकिस्तान जीतेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके नतीजे में 16 अगस्त 1946 से कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क गए। और जैसा आपने देखा होगा आपके यहाँ पटाखों की जो लड़ आती है, आप एक तरफ से आग लगाओ तो फिर वो लड़ में लगातार आग लगती चली जाती है, तो उसी तरीके से आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि एक के बाद एक जो है आपके पटाखे फटते चले जाते हैं। वही चीज यहाँ पर हुई कि आपका कलकत्ता में राइड शुरू होते हैं और उसके बाद में कलकत्ता का जो इलाका था उससे ग्रामीण बंगाल में फैलते हैं, वहां से बिहार से आपका जो है उत्तर प्रदेश से पंजाब से फिर मद्रास, इधर उधर लगभग हर जगह जो है फिर आपके रायट्स और दंगे वगैरह जो हैं शुरू हो जाते हैं। अब ये दंगे वगैरह फिर लोगों के कंट्रोल में नहीं आते हैं, वायलेंस जब शुरू होता है हिंदू सिख मुस्लिम सबके बीच में जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और लास्ट में नतीजा ये निकल कर आता है हजारों लोग जो हैं ये सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल जो इस आदमी ने और इस मुस्लिम लीग नाम की इस पार्टी
बॉडी ने दिया था इसके नतीजे में मारे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के इससे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नाम का जो देश बनना शुरू हुआ था वो खून और लोगों की लाशों की नींव पर जो है बनकर तैयार हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। और वही वजह है कि वो देश जो है इस लेवल तक जो है वॉयलेंट है और वहाँ पे कभी आपका नॉर्मलसी आ ही नहीं पाई, क्योंकि सिवाय वॉयलेंस मारकाट और सारी चीज़ों के अलावा सोसाइटी में प्रोमिनेंस किसी और चीज़ को वहाँ पे दिया नहीं गया। तो इस चक्कर में भी पाकिस्तान की जो स्थिति या दुर्गति बनी वो उसकी शुरुआत आपको उसकी नींव से ही समझ में आती है। आगे मार्च 1947, कांग्रेस की हाई कमांड जो है वोट्स फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इंटू मुस्लिम मेजोरिटी एंड हिंदू सिख मेजोरिटी हाफ्स एंड आस्क फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर प्रिंसिपल टू बंगाल द ब्रिटिश बिगिन टू क्विट इंडिया। मार्च 1947 में कांग्रेस की जो हाई कमांड है, अब पता नहीं इन लोगों को किसने अधिकार दिया था, अगर अल्टीमेटली इन लोगों ने जो है ये वोटिंग करी कि भाई पंजाब जो है इसको दो इलाकों में डिवाइड किया जाएगा, एक मुस्लिम मेजॉरिटी होगा जो आपका पाकिस्तान में चला गया आज की तारीख में, और एक हिंदू और सिख मेजॉरिटी होगा जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के पंजाब का हिस्सा है। ठीक है जी। और इसी आधार के ऊपर कि ये रिलीजन की जहां जिसकी मेजॉरिटी है उसके बेसिस पर पार्टीशन करा लो, यही प्रिंसिपल के बेसिस पर ये लोग ये बोलते हैं कि बंगाल का भी जो है पार्टीशन वगैरह इसी आधार पर करवाया जाएगा। हिंदू मेजॉरिटी बंगाल इंडिया के साथ रहेगा जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल बन गया, और मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल जो है वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा जो पहले ईस्ट बंगाल बना और बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बन गया। और अल्टीमेटली इसके साथ में अंग्रेज उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने की शुरुआत कर दी। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो बनकर तैयार होता है, पाकिस्तान बनता है और हिंदुस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल करता है। इंपॉर्टेंट बात है, हिंदुस्तान हजारों सालों से है, हिंदुस्तान बना नहीं था 1947 को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान जो है जन्म लेता है, अब कितने दिन चलेगा वो देखने वाली बात है, मगर हाँ यह है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हिंदुस्तान शाश्वत है, था और रहेगा। तो इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस मिलता है, पाकिस्तान बनता है। महात्मा गांधी नोआखली निकल जाते हैं आपका ईस्ट बंगाल में, ताकि वहाँ पर दंगे वगैरह जो हो रहे हैं कम्युनल हारमोनी वगैरह जो है उसको रिस्टोर किया जा सके। और इस तरीके से एक बुरा दौर जो है जो चली रहा था वो आगे बढ़ता है। 15-16 महीने सिविल वॉर जो हुए हैं 1946 से 1947 आ गया, अब आपके 12 महीने, और उसके बाद भी 4-6 महीने नाटक चलता रहा। तो उसमें फिर जो वॉयलेंस वगैरह हुआ वो हुआ, और उसके बाद में चीज़ें जैसे तैसे नॉर्मल होना शुरू हुई, और फिर एक देश के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली 1950 में संविधान बनकर तैयार होता, संविधान लागू होता है, और उसके बाद से फिर एक रिपब्लिक के तौर पर हिंदुस्तान काम कर रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अपना ये जो चैप्टर है इसी के साथ यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन नाम का अपना ये चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स वगैरह थे, जितनी भी चीज़ें थी, हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में देखकर जो है ख़त्म किया है, और इसकी आपका पहले टॉपिक से लेकर इसकी टाइमलाइन तक सारी बातों को हम लोगों ने ख़त्म किया। अब पार्टीशन की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है इसको पढ़कर हमको अल्टीमेटली यही बातें समझ में आती हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो हुई थी और किस तरीके की चीज़ें जो हैं अवॉइड की जानी चाहिए इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में देखकर ख़त्म करी हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उससे हम लोग इसके अलावा जो आपके जो दूसरे चैप्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में अपनी बातचीत करेंगे, और एक नए चैप्टर के साथ में अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आज के लिए अपना जो सेशन है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब वही कि यहाँ पर आपको किसी तरीके का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज मिलता है। अब जैसे आपने लेट से क्लास 12 के ऊपर क्लिक किया तो क्लास 12 के जितने कोर्सेज हैं वो निकल कर आ जाएंगे। जैसे ये सारे के सारे साइंस के कोर्सेज निकल कर आ गए, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज वगैरह निकल कर आ गए, ऐसे आपके अलग अलग कोर्सेज वगैरह जो हैं वो निकल कर आ जाएंगे। और इसके बाद इनमें से जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, लेट से अगर आपने हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया तो फिर वो सारा का सारा कंटेंट अगर आपका निकल कर आ जाएगा, सिलेबस ओवरव्यू और उसके बाद पहले से लेकर आखिरी चैप्टर तक एकदम ऑर्डर तरीके से जो है सारी की सारी चीजें अरेंज्ड हैं। यहां से आप फिर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जब तक पढ़ना चाहें तब तक पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जितना चाहें उतना नॉलेज आप यहां से गेन कर सकते हैं, एंड अपने ना सिर्फ एग्जामिनेशंस में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, इस ज्ञान का इस्तेमाल कर अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात फिर वही आती है ना कि जिस आदमी के पास में ज्ञान है उससे ज़्यादा सशक्त, उससे ज़्यादा एम्पावर्ड जो बंदा है, उससे ज़्यादा सशक्त और उससे ज़्यादा एम्पावर्ड इंसान आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा पावर है। तो जितना हो सके उतना ज्ञान बटोरिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान का संचय करिए, मेहनत करते जाइए, तरक्की और प्रोग्रेस और आपके सारी और प्रॉस्पेरिटी के पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।